Hello dear student, welcome to CI International School online classes. How are you? Hope you fine. Okay beta, my dear plus one commerce chapter 9 central tendency हमने start किया था. आज हम topic discuss करेंगे calculating mean in discrete series. Individual series में किस तरीके से हम find out करते हैं average, वो हम discuss कर चुके हैं last video में. आज हमारा जो discuss करने का topic है वो topic है discrete series. सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इंडिविजुअल सीरीज क्या है और डिस्क्रीट सीरीज क्या है. ठीक है, जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन होती है उसे डिस्क्रीट सीरीज, जहां फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होती उसे इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं. मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको. चलिए अब देखते हैं. इन डिस्क्रीट सीरीज देयर आर फ्रीक्वेंसी कोरस्पोंडिंग टू डिफरेंट आइटम इन दी सीरीज. फ्रीक्वेंसी गिवन होती है डिफरेंट डिफरेंट आइटम के अकॉर्डिंग. जैसे मान लीजिए 10 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट है, 20 मार्क्स लेने वाले 3 स्टूडेंट है, 15 मार्क्स लेने वाले 25 मार्क्स लेने वाले 2 स्टूडेंट है. ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी लिख रही हूँ. जो नंबर ऑफ आइटम बार बार रिपीट हो रहे हैं इसे बोलते हैं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी. अब इसके माध्यम से हम क्या कैलकुलेट करेंगे डिस्क्रीट के सीरीज के माध्यम से, यानी डिस्क्रीट सीरीज पर बेस है मीन हम निकालेंगे. ठीक है, तो मीन निकालने के 3 मेथड है. इंडिविजुअल में केवल 2 ही मेथड है, ध्यान दीजिए. इंडिविजुअल में केवल 2 ही मेथड है मीन निकालने के. फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड, सेकंड वन इज शॉर्टकट मेथड. लेकिन डिस्क्रीट सीरीज में निकालने के जो मीन निकालने के मेथड है वो 3 मेथड है. फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट मेथड, सेकंड शॉर्टकट मेथड एंड थर्ड स्टैप डेविएशन मेथड. यहाँ 2 आपको आप जानते हैं क्योंकि लास्ट वीडियो में डायरेक्ट और शॉर्टकट बताया था. स्टेप डेविएशन मेथड एक और स्टेप आगे हम बढ़ते हैं. ये 3 मेथड यहाँ पे फॉलो किए जाते हैं मीन निकालने के लिए. क्वेश्चन में अगर गिवन है कि भाई आपको स्टेप डेविएशन मेथड से ही मीन निकालना है तो आपको स्टेप डेविएशन मेथड ही यूज करना पड़ेगा. अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आप जो है इन 3 में से जो आपको अच्छे लगे वो आप यूज कर सकते हैं. स्टेप डेविएशन मेथड क्यों यूज किया जाता है बेटा, इसलिए यहाँ देखिए डायरेक्ट है, शॉर्टकट मेथड है, स्टेप डिवीजन मेथड है. यहाँ थोड़ी संख्या बढ़ा दी गई है मेथड्स की, 3 मेथड हो गए हैं. क्योंकि देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी भी है और ये मार्क्स भी गिवन है तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी हो जाती है. ठीक है, तो इसलिए जो है एक और स्टेप डिवीजन मेथड यहाँ बनाया गया है कैलकुलेशन को अगर आप और शॉर्ट करना चाहे तो. चलिए सबसे पहले देखते हैं डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या है, ये मीन का साइन है आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला है फ्रीक्वेंसी गिवन है, ध्यान दीजिए फ्रीक्वेंसी गिवन है तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ. एफ क्या आया, नंबर ऑफ आइटम. अगर इंडिविजुअल सीरीज देखें हम, इंडिविजुअल सीरीज के बारे में अगर हम देखें तो वहां पर डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या था, डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है इंडिविजुअल सीरीज में सिग्मा एक्स अपॉन एन. यहां पर एन कौन है, 10 मार्क्स लेने वाले 4 स्टूडेंट है. 4 स्टूडेंट मतलब संख्या है तो संख्या यहाँ एन. एफ ही क्या है यहाँ पर एन, यानी एन किसको मेजर करेंगे, एफ फ्रीक्वेंसी का टोटल कहलाया जाएगा एन. इंडिविजुअल में एन हम ले लेते हैं 1 2 3 4 5 तो 5 लिख देते हैं. फ्रीक्वेंसी हाँ ये नंबर ही तो है, एफ एन के प्लेस पर एफ गिवन होता है इसलिए सिग्मा एफ यानी आपका टोटल करना है. फिर आता है जहां एफ होगा, ध्यान दीजिए इंडिविजुअल में सिग्मा एफ तो एक्स तो था, सिग्मा एक्स है, यहाँ एफ गिवन है तो यहाँ एफ लगा दीजिए, बस खत्म. ये आ गया डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला. सेकंड है शॉर्टकट मेथड. शॉर्टकट मेथड में अगर इंडिविजुअल सीरीज में देखे तो क्या था, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन. ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रीट सीरीज है, एन क्या है यहाँ, एफ ही एन है तो सिग्मा एफ. ठीक है, डी यहाँ था, इंडिविजुअल में भी हमने डी निकाला था डेविएशन, यहाँ भी निकालेंगे लेकिन उसके साथ किसको ऐड कर देंगे, एफ को. एड मतलब एक साथ शो करेंगे, एक साथ मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहा है, एफ और डी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. एफ और डी आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई. जैसे यहाँ एफ एक्स है तो यानी एफ मल्टीप्लाई एक्स. एफ को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स. ठीक है, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तब एफ एक्स बनता है. ठीक है, एफ को मल्टीप्लाई करेंगे डी से तो एफ डी बनता है. सिग्मा एफ, सिग्मा एफ यानी वही जैसे कि इंडिविजुअल में एन था, यहाँ पर एन के प्लेस पर क्या लिखते हैं एफ. तो ये आगे शॉर्टकट मेथड. इसके बाद आता है स्टैप डिवीजन मेथड. स्टैप डिवीजन मेथड में
एज्यूमिंग लेंगे, एफ डी तो यहाँ भी निकाल रहे हैं डायरेक्ट शॉर्टकट में, यहाँ पर दिस इज एफ डी डैश निकालेंगे, इट मीन्स आप इसको जो है कॉमन फैक्टर निकालेंगे। इसका डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जब इसका टॉपिक आएगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा लेंथी हो जाएगा। हम फिलहाल आज डिस्कस करेंगे डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड के बारे में। तो यहाँ मैं इसका एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं बता रही, थोड़ा ही बता रही हूँ। सी मीन्स कॉमन फैक्टर होता है, कैलकुलेशन को और शॉर्ट करने के लिए हम इस मेथड का उपयोग करते हैं। जब जैसे कि देखो एफ और डी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ग्रेटर डिजिट आ जाती है, कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी हो जाती है, उसको शॉर्ट करने के लिए हम स्टेप डिवीजन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि डिस्क्रीट सीरीज में बेस है शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड देखेंगे। देखिए डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग देखिए बेटा, क्वेश्चन जैसे आपकी बुक में गिवन है, टॉपिक हमारा कैलकुलेटिंग करना है। क्या कैलकुलेटिंग करना है? मीन किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन गिवन है फॉलोइंग आर दी वेजेस ऑफ 19 वर्कर की वेजेस दी हुई है। ठीक है, वीकली वेजेस है 19 वर्कर की। ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा है वीकली वेज किसकी है? वर्कर की। ठीक है, कितने वर्कर की? 19 वर्कर। ऑलरेडी 19 है तो 19 संख्या है, यानी एन आगे यानी एफ है। ठीक है, क्वेश्चन गिवन है जैसे कि यहाँ पर एक्स वेजेस है, वेजेस कितनी है? वीकली। ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, इसके बाद गिवन है नंबर ऑफ वर्कर यानी संख्या, यानी 10 रुपीज लेने वाले कितने वर्कर है? 4। 20 रुपीज लेने वाले 5 है। 30 रुपीज लेने वाले कितने हैं? 3 है वर्कर। और 40 रुपीज लेने वाले 2 है। और 50 रुपीज लेने वाले कितने हैं? 5। क्वेश्चन ये है, सबसे पहले हम इसका सोल्यूशन करेंगे किसके माध्यम से? डायरेक्ट मेथड। ऊपर लिखा हुआ किसके माध्यम से, नहीं लिखा तो च्वाइस आपकी है। चलिए निकालते हैं, ये वेजेस है तो यानी ये कौन सी सीरीज है? एक्स सीरीज। आप इसको एक्स लिखिए यहाँ पर, या भी वेजेस कितनी है? 10 है, 20 है, 30 है, 40 है और 50 है। इसके बाद आता है नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर मीन्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एफ गिवन है, कितना है? 4, 5 है, 3 है, 2 है और 5। ऊपर यहाँ आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ये वेजेस को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, वेजेस को, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है? नंबर ऑफ वर्कर को। ठीक है, ये मैंने यहाँ शो कर दिया। अब हम ये डायरेक्ट मेथड के माध्यम से हम निकालेंगे। क्या है डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला? मीन का फॉर्मूला, सिग्मा एफ एक्स। देखिए ये रहा एफ और ये रहा एक्स, तो निकाल दीजिए। कोई बिल्कुल सिंपल है, सिग्मा एफ एक्स। एफ एक्स देखिए, सबसे सिग्मा बाद में आएगा, सबसे पहले आया एफ और एक्स, यानी एफ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे? एक्स से। तो एफ को आप मल्टीप्लाई कीजिए किससे? एक्स से। ठीक है, ये कैपिटल एक्स है, एफ को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स से, कितना आ गया? 40। 5 को 20 से कितना आ गया? 100। 30 को 3 से कितना आ गया मल्टीप्लाई? यहां मैं करके दिखा देती हूँ, कितना? 90 आ गया। 40 को 2 से करा, कितना आ गया? 80 आ गया। 50 को 5 से किया, कितना आ गया? 25। क्लियर इतना? इसके बाद देखिए जो फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, जैसा फॉर्मूला वैसा वैसा करते जाइए। अगर फॉर्मूले में हम देखें तो यहाँ नीचे गिवन है सिग्मा एफ। तो देखिए ये रहा है सिग्मा, मतलब टोटल होता है। टोटल किसका करना है? एफ का करना है। टोटल किसका करना है? एफ का। तो ये रहा एफ, इसका कीजिए टोटल। टोटल जब करेंगे तो 19, और वैसे भी यहाँ गिवन था वीकली वेज 19 वर्कर्स, 19 वर्कर की वीकली वेजेस गिवन है। इसके बाद यहाँ क्या, ठीक है मैंने यहाँ लिख दिया 19। इसके बाद यहाँ गिवन है एफ और डी, ये रहा सॉरी एफ और एक्स, ये रहा एफ और एक्स। ठीक है, अब इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ एफ एक्स। ठीक है, वो मैंने मल्टीप्लाई इसलिए बताया था ताकि थोड़ा आपको ध्यान रहे मल्टीप्लाई करना है। एफ एक्स है, इसके आगे क्या है? सिग्मा। सिग्मा मतलब टोटल, तो एफ एक्स का सिग्मा करना है। एफ एक्स का क्या करना है? सिग्मा मीन्स टोटल, तो ये रहा एफ एक्स, इसका टोटल कर दो। टोटल कितना आएगा? सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 560।
यहाँ भी लिखिएगा बेटा सिग्मा F इज इक्वल टू 19, ठीक है। हर स्टेप के मार्क्स होते हैं, ये लिखना जरूरी है। अब इसके बाद कुछ नहीं, 560 यहाँ डिवाइड कीजिए, कितना आ गया 29.47, ये क्या आ गया मीन, ठीक है। यानी क्या शो कर रहा है, वीकली वेजेस आप लिख सकते हैं, वीकली जो वेजेस है, ठीक है, उसका मीन 19 वर्कर का कितना आया है 29.47। यानी सबका याद करना तो डिफिकल्ट है, किसको कितनी मिल रही है, तो एक याद रख लेंगे कि 29.47 जो है वीकली वेजेस है। कुछ हो सकते हैं वर्कर जिसको अप्रोक्स इतनी मिल रही हो, कुछ इससे ज्यादा ले रहे हैं, कुछ इससे थोड़ा कम ले रहे हैं, तो इस प्रकार ये कंक्लूजन निकल आता है। ये था डायरेक्ट मेथड। अब हम देखेंगे इसी क्वेश्चन को किसके माध्यम से, शॉर्टकट मेथड के माध्यम से किस प्रकार ये फाइंड आउट किया जाएगा। देखिए तो डायरेक्ट मेथड था, अब शॉर्टकट ले लेते हैं, यही क्वेश्चन है, सेम ही आंसर आएगा, चाहे आप डायरेक्ट यूज करें, चाहे शॉर्टकट यूज करें, चाहे स्टेप डेविएशन माध्यम यूज मेथड यूज करें, ठीक है। चलिए करते हैं, सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या किया जाता है, क्या क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है ए क्या है, एज्यूमिंग, ए क्या है एज्यूमिंग, एज्यूमिंग किसमें से लेते हैं, हमेशा ध्यान रखना, एज्यूमिंग हमेशा किसमें से लेते हैं, एक्स सीरीज में से, किसमें से लेते हैं, एक्स सीरीज में से। कुछ बच्चे क्या होता है फ्रीक्वेंसी में से ले लेते हैं, ठीक है, बहुत से मैंने ये देखे हैं, बच्चे कर तो लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं फ्रीक्वेंसी में से ले लेते हैं, या करते क्या है एक्स में से लेकर फ्रीक्वेंसी में से माइनस कर देते हैं। ध्यान दीजिए, एक्स में से लेना है एज्यूमिंग और इसमें से ही माइनस करना है। फिर सुनिए, एक्स में से ही एज्यूमिंग लेना है और जो मीन एज्यूमिंग लेंगे उसको एक्स में से ही माइनस करना है, तब निकल कर आएगा डी। देखिए ये डी हम स्टेप इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ लिया था। सेकंड हमें पहले ए निकालना है, फिर हमें डी फाइंड आउट करना है। एफ तो हमारे पास है, देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है इसमें, ए गिवन नहीं है, ए निकालेंगे, डी नहीं है, डी निकालेंगे, एफ तो है, तो ये दो निकाल लीजिए ए और डी, क्वेश्चन इजिली सोल्व हो जाएगा। तो डी कैसे निकलता है, इंडिविजुअल सीरीज में पढ़ा था, एक्स में से क्या माइनस करेंगे, ए माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा डी, यानी डेविएशन आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, डी निकालने के लिए एक्स तो है, ये रहा एक्स, लेकिन डी निकालने के लिए एक्स तो है, लेकिन डी निकालने के लिए कंप्लीट तब निकलेगा जब ए भी हो, क्या हो, ए हो, ठीक है। तो ए कहां से आएगा, ए एक्स सीरीज में से फाइंड आउट किया जाता है, बिटवीन नंबर लिए जाते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 है, तो 30 ले लेंगे हम, 30 ये क्या आ गया एज्यूम मे, क्लियर। चलिए तो माइनस करते जाइए, देखिए ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे क्या करेंगे 30 आगे लिख के माइनस कर देंगे 10, गलत। फॉर्मूला क्या है, x माइनस a, तो x की नंबर आगे लिखने हैं, x के नंबर आप आगे लिखिए, क्लियर, माइनस कर दीजिए माइनस, फिर इसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, कुछ नहीं करना, a लिख दीजिए, a क्या है 30, तो 30 लिखिए यहां, क्लियर। इसके बाद सॉल्यूशन कीजिए, 10 में से 30 माइनस 20, ये आपको आता होगा एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, जो कि हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में, एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इसमें होता है, एसेंशियल ऑफ अ गुड एवरेज, गुड एवरेज की आवश्यकता इसमें एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट होता है, आपको आना चाहिए, यही है माइनस माइनस प्लस, 20 माइनस 30 माइनस 10 0, 40 माइनस ये प्लस 10 और प्लस 20, क्लियर, डी निकल गया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ डी थोड़ी पूछा है, यहां पूछा है एफ और डी एक साथ दिखे हैं, देखिए यहाँ केवल डी सिंगल हमें नहीं दिखाई दे रहा, अगर डी सिंगल होता ना सबका मैं टोटल कर देती, चाहे कुछ भी है, चाहे जीरो है, मैं लिख देती, लेकिन इसके आगे एफ लिखा हुआ है और एफ और डी दोनों ज्वाइंट है, यानी एफ किससे मल्टीप्लाई हो रहा है डी से, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एफ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे डी से, ठीक है, एफ को डी से मल्टीप्लाई कीजिए, ये रहा एफ और ये रहा डी, मल्टीप्लाई कीजिए 4 × -20 कितना आ गया -80, 5 × -10 कितना आ गया -50, 3 को 0 से करोगे क्या आएगा 3, नो 0, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 10 से कितना 20, प्लस का प्लस लिखिए, शो करना है प्लस का साइन भी, ठीक है। इसके बाद आता है 5 को मल्टीप्लाई करना है प्लस 20 से, कितना आ गया 100, ठीक है, तो ये आ गया। इसके बाद क्या है, यहां पर अगर हम देखें फॉर्मूले में, मैं सिर्फ फॉर्मूले को फॉलो कर रही हूं, जो फॉर्मूले में है वो वैसे निकाल दो, फॉर्मूला याद होगा इजिली निकाल पाएंगे, ए निकाल चुकी हूं मैं, डी
भी निकाल लिया है, एफ को डी से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे इसको पूरा करना है, अब थर्ड स्टेप है ये सिग्मा। सिग्मा किसका करना है, एफ और डी, ये रहा एफ डी और इसका कीजिए आप सिग्मा, क्योंकि फॉर्मूले में यही था एफ डी तो साथ थे, ये रहा साथ, लेकिन इसके आगे सिग्मा है, सिग्मा मतलब टोटल, तो इन सबका कीजिए टोटल सिग्मा एफ डी। ठीक है, टोटल कीजिए कितना आता है, टोटल माइनस 80 और माइनस 50 कीजिए दोनों को ऐड, कितना आ गया माइनस 130, इन दोनों को ऐड कीजिए कितना आ गया 120। यहां इसका सॉल्यूशन कीजिए, माइनस 130 प्लस 120 कितना आ गया माइनस 10, कितना आ गया माइनस 10। क्लियर, कुछ नहीं करना आपसे, फॉर्मूले में पुटअप करना है। ये रहा फॉर्मूला, फिर मैं एक बार लिख देती हूँ फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। ए निकाल लिया है, कहा है ए, देखिए ये रहा ए 30, सिग्मा एफ डी, एफ डी ये रहा और सिग्मा ये रहा इसका, सिग्मा एफ डी कितना है माइनस 10, तो माइनस का 10 ही लिखना है। सिग्मा एफ ये रहा 90। ठीक है, अब इसके बाद इसको सोल्यूशन कीजिए, 30 प्लस, देखिए यहाँ दो साइन दिखाई दे रहे हैं आपको, एक ही साइन आएगा, प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस, अगर दोनों में एक साइन शो करना है तो सिर्फ एक ही होगा, कौन सा माइनस। ठीक है, तो माइनस यहां मैं अभी शो कर देती हूँ, 10 अपॉन 90, आप सॉल्यूशन कर लीजिए, 30 माइनस 19 को 10 से आप क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 0.53। अब इसको माइनस कर दीजिए, 30 में से 0.53 कितना आ गया 29.57 मीन, ये आ गया मीन 29.47, और यही आंसर अभी जो हमने डायरेक्ट मेथड किया था उसमें आया था, यही आंसर डिस्क्रीट सीरीज में जो अभी हमने शॉर्टकट मेथड किया उसमें आया, यही आंसर स्टेप डेविएशन मेथड से भी आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था मीन फाइंड आउट करने का मेथड, शॉर्टकट मेथड बता दिया है और मैंने डायरेक्ट स्टेप डेविएशन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, आई होप आपको समझ आया होगा। तो प्लीज एक बार आप इसका सॉल्यूशन जरूर कीजिए और अपनी नोटबुक में भी कंप्लीट कर लेना। ओके बेटा।